कर्मचारियों ने संगठन नेताओं की अगुवाई में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। तुषार रैली के साथ अंगड़ाई का नारा लगाया। जीआर चंद्रा ने बताया, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं। सरकार हम पर दबाव नहीं बना सकती है। देखिए, आज खुद जो सरकार में है पार्टी, वो आज महंगाई को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? महंगाई भत्ता और प्रिय भाड़ा भत्ता, वो भी हमारी जायज मांग है केंद्र के समान, और हम सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। महंगाई भत्ता हमको वही पिछड़ा हुआ मिल रहा है 22% 28% का, और जो हमारे गृह भाड़ा भत्ता आज भी छठवें वेतनमान में प्राप्त कर रहे हैं। इस जायज मांगों को लेकर हम आज का ये रैली जन जागरूकता के रूप में निकाला गया है। दबाव है कुछ सुनने में आया है कि ऊपर से दबाव आ रहा है? अभी तक हमको कोई दबाव नहीं आया है, इसी प्रकार कोई दबाव नहीं है। हम अपना जो ये रैली है, हम अपने जन जागरूकता के रूप में। न्यायालयीन कर्मचारी संघ नेता धीरज कनेरिया ने बताया, हम 21 साल बाद हड़ताल पर हैं, मांग जायज है, यदि नहीं है तो सरकार 900 रुपये में किसी गांव में किराए का मकान दिला दे, हम हड़ताल वापस लेने को तैयार हैं। तो न्यायालय भी कूद पड़ा है? जी बिल्कुल, हम लोग आज 23 वर्षों के बाद में पहली बार निकले हैं न्यायालय के कर्मचारी, और हमारी मांगे जायज है। हम सरकार से मांग रहे हैं, हम न्याय प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हमारी मांगे सरकार से है, हमारी 34% जो महंगाई भत्ता है, जो हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो बिल्कुल उनको। किस वर्ग के कर्मचारी न्यायालय के आए हैं? पूरे फेडरेशन के समर्थन में है, अभी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के समर्थन में। 6% तो आपको मिला हुआ है, तो अब अन्याय कैसी बात हो रही है? 6% दे रहा है, आप 2018 से हमको देना था, हमारे एरियस खा गया, 7,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं मुख्यमंत्री। हमारे अधिकार है, महंगाई सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इससे पूरा परिवार सफर करता है, पूरा हमारा जितने भी कर्मचारी भाई हैं सब सफर कर रहे हैं। आप तो अपना विधायक और सांसद दीदी को बढ़ाने के लिए जब बात आती है तो आप ऐसा थपथपा के बढ़ा लेते हैं। भाई, आप हमारा अधिकार दे दीजिए, मूल अधिकार है, हम कोई अलग से कोई पृथक हमारी मांग नहीं है। हम जो मौलिक अधिकार है उसकी बात कर रहे हैं, आपको देना चाहिए। मेरे को 947 रुपये महंगाई HRA मिलता है, क्या आप बता दीजिए, अगर गांव में भी अगर मेरे को 947 रुपये में आप अगर आवास उपलब्ध करवा लेंगे तो मैं पूरी ये जितना भी हड़ताल है मैं उसको स्थगित करवा दूंगा। इसी तरह एक अन्य कर्मचारी नेता राजेश पांडे ने बताया कि सरकार पेंशन का झुंझुना थमाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। पुरानी पेंशन योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ इसलिए वो किए हैं कि उनका जो मने शासन का जो पैसा कर्मचारी के अकाउंट में जा रहा था वो उनको ना देना पड़े, उनका वो पैसा बच रहा। जो कर्मचारियों का पैसा पहले CPS के खाते में जमा है उसको आज तक वो नहीं ला पाए, ना उसके लिए उनके कोई कार्य योजना है। CG वाल, बिलासपुर।